से मात्र 10 दिन पहले ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कौन सी मशीन के कौन से बटन पे बैठेगा, कौन सा बैलेट नंबर उसको मिलेगा। इसलिए ये ईवीएम मशीन पहले से टेम्पर कर दें इसकी संभावना नहीं। हमने दोनों ही चीजें कल या परसों कहें तो विधानसभा के अंदर दिखाई, डेमोन्स्ट्रेट की, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया कि दोनों ही चीजों के अंदर हमारी मशीन भी स्टैंड अलोन मशीन है और हमारी मशीन भी उस वक्त हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमको उस मशीन के अंदर कौन से कैंडिडेट को जिताना है और हम उसको जिता सकते हैं। एक सीक्रेट कोड डाला। अब जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि चलिए भाई आपने दिखा दी कि मशीन टेम्पर हो सकती है, मगर क्या मशीनें टेम्पर हुई हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने आज हम आपके सामने आए। कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया है इस ईवीएम मशीन के बारे में बातचीत करने के लिए। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 बजे मीटिंग रखी गई। हमने इसका बहुत साधारण तरीका अपनाया, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या मशीनों के अंदर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर आप एक कमेटी बना दीजिए। उस कमेटी के अंदर आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए, हमारी टेक्निकल टीम की एक्सपर्ट, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उस कमेटी को ये दिखा देगी, ये साबित कर देगी कि कैसे पिछले चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर धांधली हुई। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे बताया जा सकता है। मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बूथ बता दीजिए, कोई 5 बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता था कि आपके वोट ज्यादा आने चाहिए थे मगर आपके वोट बहुत कम आए और आपको उन 5 बूथों पे सबसे ज्यादा शक है कि यहां पे तो पक्का टेम्परिंग हुई है। हम यही बात मायावती जी की पार्टी से पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 कोई बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता है, बसपा के लोगों को लगता है कि वहां टेम्परिंग हुई है। हम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में पूछ लेंगे 5 बूथ। हम इसी तरीके से पुणे के अंदर जहां म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, जहां की मशीनों को जब्त करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिए, जहां की मशीनों की फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, हम वहां पे कोई 5 बूथ मांग लेंगे कि आप कोई 5 बूथ बता दो जहां पे आपको सबसे ज्यादा शक है कि यहां टेम्परिंग हुई है। हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि इस कमेटी के सामने, इलेक्शन कमीशन की देखरेख में, हमें उन बूथों की जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई है वो मुहैया कराई जाए। जो लोग चुनाव की प्रक्रिया को जानते हैं वो मानते होंगे और उन्हें पता होगा कि जैसे ही वोटर किसी भी बूथ के अंदर वोट डालने के लिए आता है, सबसे पहले वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता है, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है, वो एक लिस्ट के अंदर उस वोटर का आईडी नंबर या सीरियल नंबर और उसका नाम दाखिल करता है और वोटर से कहता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। वोटर उस पर साइन करता है, पोलिंग बूथ के अंदर जाके मशीन तक पहुंचता है, यहां से बैलेट बॉक्स, बैलेट मशीन को ऑन किया जाता है और वोटर अपनी वोट डाल देता है। तो जो वोट डलती है वो एक सीक्वेंस के अंदर डलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वही सेम टू सेम सीक्वेंस उस कागज के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करता है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है जिसके अंदर हम उस मशीन के अंदर देख के उसकी रॉम को पढ़ के हम ये बता देंगे कि उसके अंदर किस सीक्वेंस के अंदर वोट डला है, पहला वोट किसको डला है, दूसरा वोट किसको पड़ा है, तीसरा वोट किसको पड़ा है। और इलेक्शन कमीशन के पास वो लिस्ट है कि पहला आदमी कौन था, दूसरा आदमी कौन था, तीसरा आदमी कौन था। अब बात आती है कि सीक्रेट बैलेट बॉक्स का क्या किया जाएगा। आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के अंदर, मतलब जिसके अंदर जनता को ना पता चले कि उसने कहां वोट डाला, आप उससे पूछ लीजिए कमेटी के सामने कि भैया तुमने कहां वोट डाला। अगर वो कहता है कि मैंने तो समाजवादी पार्टी को वोट डाला और हम आपकी ही इलेक्शन कमीशन की वोट
कि मशीन की रॉम को पढ़ के बता देते कि इसका वोट तो बीजेपी को गया हुआ है, तो आप मान लीजिएगा कि धांधली हुई है। और अगर उसने जहां कहा कि उसका वोट जा रहा है, जहां उसने वोट दिया था और जहां पे उस मशीन के अंदर वो वोट स्टोर्ड है वो सेम है, तो मुझे लगता है कि फिर ये देश को मानना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई धांधली नहीं है। कल ये रिक्वेस्ट हम सभी लोग, मुझे लगता है कि हम और पार्टी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पार्टियों की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट हम इलेक्शन कमीशन को करें कि इस तरीके की एक छोटी सी कमेटी बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर बनाई जाए, और उस एक्सपर्ट टीम की जिम्मेदारी कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो इनकी मशीन को खोल के पढ़ के बता देंगे कि किसने वोट कहां डाली, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे पास ये एक्सपर्टाइज है, ये नॉलेज है कि हम ये पढ़ के बता सकते हैं। तो मैं जब हम कल जाएंगे तो हम ये सारी की सारी बात इलेक्शन कमीशन के आगे रखेंगे। धन्यवाद। नहीं, ये तो टेक्निकल प्रोसेस है जिससे पता चल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे टेक्निकल प्रोसेसेस भी उपलब्ध हैं जिसमें उस पर्टिकुलर बूथ पे, उस पर्टिकुलर मशीन पे किसने किसको वोट दिया वो भी पता चल सकता है। सौरभ जी, उसमें टाइम स्टैम्पिंग है। हर वोट, हर की जब उस मशीन के अंदर कोई भी बटन दबता है तो उस बटन को दबने का एक निशान, उसकी एक स्टोरेज उसकी मेमोरी में जाती है और उसके साथ उसका डेट, टाइम, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर स्टैम्प होता है। और आपको जैसा कि मालूम है, जैसे ही वोट डलता है उसके बाद 6 सेकंड की बीप आती है और मुझे लगता है कि 10-15-20 सेकंड दूसरे वोटर को आने में भी लगते हैं। तो एक वोट और दूसरी वोट के बीच में कम से कम भी मैं मानू तो 20 सेकंड का फर्क होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया में देखा जाए तो 20 सेकंड बहुत बड़ा गैप होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। सौरभ जी, ये मान सकते